तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि एक सड़क जो कि निर्मित है, जिसकी लागत तकरीबन 3,80,00,000 है, उस सड़क को एक व्यक्ति ऐसे तोड़ रहे हैं अपने हाथों से मानो वह पापड़ हो। सड़क की परत काफी आसानी से हाथों से उखड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की इससे बेहतर तस्वीर क्या हो सकती है। सबसे पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिए कि किस प्रकार एक शख्स जो है रोड को अपने हाथों से उखाड़ रहे हैं और वह रोड उतनी ही आसानी से उखड़ भी जा रहा है। नहीं नहीं सही है, बहुत बढ़िया। अंदर आई क्या, कुछ तो पड़ा नहीं। देखो कितना माल पड़ा हुआ है। भाई इतना अच्छा बनाया, ये है कारनामे ठेकेदार के। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि एक शख्स अपने हाथों से रोड को उखाड़ रहे हैं, वह रोड भी उतनी ही आसानी से उखड़ती जा रही है। इतना ही नहीं, साथ साथ वह शख्स ठेकेदार के काम करने के रवैये पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि यह सड़क कितनी ईमानदारी के साथ बनाई गई है, इस सड़क पर ठेकेदारों ने कितनी ईमानदारी से काम किया है। दरअसल बता दें, यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की है, जहां प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 3,80,00,000 रुपए में सड़क का निर्माण कराया जाता है। और निर्माण के बाद सड़क कितनी बेहतर बनकर तैयार हुई है वह आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सड़क हाथों से उखड़ रहा है और उसके नीचे लेयर में कुछ भी मौजूद नहीं है। तो आखिरकार 3,80,00,000 में ऐसी सड़क बनाने का क्या फायदा जो कि हाथों से उखड़ जा रही हो। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी योगी सरकार को घर को तोड़ने के लिए बुलडोजर की जरूरत पड़ती है, और उनके ही राज्य में एक ऐसी सड़क का निर्माण हुआ है जो हाथों से उखड़ जाती है। आधे सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी है, तो सवाल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से भी होगा, जो कि भारत की सड़कों की तुलना अमेरिका की सड़कों से करते हैं और यह बात भी करते हैं कि अमेरिका के बराबर होगा उत्तर प्रदेश के सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या ऐसी ही सड़कें अमेरिका में भी होती है, या फिर इस प्रकार की सड़कों का बनना सिर्फ भारत में मुमकिन है? आप सारी बातों को जानने के बाद अंदाजा लगा चुके होंगे कि सड़क में कार्य कुछ नहीं हुआ है, बल्कि यह सड़क भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। तो माल पड़ा हुआ है। भाई इतना अच्छा बनाया, ये है कारनामे ठेकेदार के। ये रोड है क्या? ये सरकार का पैसा है, ये मंत्रिमंडल खत्म हो रहा है, ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की है।